मिशन 2022 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कोई पार्टी मिशन रिपीट की जुगत में जुटी है तो कोई सत्ता का सिंहासन दोबारा पाने की कोशिश में है। पंजाब की सियासत में इस बीच एक नया ट्विस्ट आ गया है। पंजाब चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ती नजर आएंगी और कारण यह है कि पंजाब में एक बड़ा दलित वोट बैंक है। देखिए साल 2022 राजनीति के हिसाब से ये साल बेहद ही रोमांचक और कई पार्टियों के लिए साख की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं और इन राज्यों में सियासी उठापटक और चुनाव के गर्मी अभी से महसूस की जा रही है। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर पहुंचे और आलाकमान से मुलाकात कर यूपी पर मंथन किया गया, तो पंजाब में सियासी सरगर्मी मौसम की गर्मी की तरह बढ़ती जा रही है। कांग्रेस में अंदर खाने काफी कुछ चल रहा है और इस बीच आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक कांग्रेस का दामन भी थाम चुके हैं। इस बीच एक नया ट्विस्ट पंजाब की राजनीति में देखने को मिला। यहां शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पंजाब की सियासत में ढाई दशक के बाद अकाली दल और बसपा एक बार फिर से साथ आए हैं। अब सीट शेयरिंग की बात की जाए तो सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत राज्य में 117 सीटें हैं, जिनमें से अकाली दल 97 तो बसपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक दो ऐसी पार्टियां हैं जिनकी सोच एक है पर पार्टियां लगती। श्रोमणी अकाली दल भी गरीब किसान मजदूर की पार्टी है, वैसे ही पीएसपी है। और इसका जो बड़ा फायदा यह है, ये 1+1 ये दो नहीं बनता, ये 1+1 11 बन जाता है, क्योंकि एक लोगों के ऊपर एक कॉन्फिडेंस है कि ये पार्टियां ऐसी हैं जो हमारे लिए लड़ती हैं। और इतने देर अलग रहने के कारण हमारी वोटें बढ़ जाती थी, पर अब अलायंस से हम एक बहुत स्ट्रांगली हम फोर्स बन के पंजाब में बन गए हैं। और आपको मालूम है जब 1906 में हुआ था पूरे पंजाब में क्लीन स्वीप हो गई थी, वैसी क्लीन स्वीप अब पंजाब में फिर से होगी। पंजाब में दलित समीकरण की अगर बात की जाए तो ये भी वाकई बेहद रोमांचक और पेचीदा नजर आता है। सबसे बड़ी बात ये है कि देश के सबसे ज्यादा दलित मतदाता पंजाब से ही हैं, जो कि लगभग 32% के करीब हैं। अब तक की अगर बात की जाए तो दलित वोट पर कांग्रेस और अकाली दल का ही हिस्सा देखने को मिलता है। हालांकि बीएसपी ने दलित वोट बैंक पर सेध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अब एक बार फिर अकाली दल और बीएसपी की दलित को साथ लाने की ये कोशिश देखी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो पंजाब में इसका सफर कुछ ज्यादा खास नहीं रहा। हालांकि शुरुआत में एंट्री तो बड़ी धमाकेदार तरीके से हुई थी। 1992 में बीएसपी ने 9 विधानसभा सीट जीतकर एक धमाकेदार एंट्री मारी थी और पंजाब की दलित राजनीति में पांव जमाने की कोशिश की थी। हालांकि समय के साथ बीएसपी की ये परफॉर्मेंस बरकरार नहीं रही। 5 साल बाद ही बीएसपी का ग्राफ एकदम से गिरा और केवल एक सीट पर ये पार्टी सिमट कर रह गई। और धीरे धीरे पंजाब में बहुजन समाजवादी पार्टी की छवि वोट कटाऊ पार्टी के तौर पर नजर आने लगी। हालांकि साल 2019 लोकसभा चुनाव में इस पार्टी ने बेहद ही अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छा वोट प्रतिशत हासिल किया। अब जरा 25 साल पहले की भी बात कर लेते हैं। 25 साल पहले भी अकाली दल और बसपा एक साथ आए थे। 1996 में दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ था और इस गठबंधन ने बेहतरीन सफलता हासिल भी की थी। राज्य की 13 लोकसभा सीटों में से 11 पर शिरोमणि अकाली दल और बसपा के गठबंधन का ही कब्जा रहा। अकाली दल ने जहां 8 सीटों पर कब्जा किया तो बीएसपी ने 3 सीटों पर कब्जा किया था। साल 2022 में शुरुआत में ही पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अब सभी पार्टियां दलित वोटरों पर और ज्यादा फोकस करती नजर आ रही हैं। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल को उम्मीद है कि कांग्रेस में चल रहे घमासान के कारण उसका सत्ता में वापसी करना बेहद मुश्किल है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अकेले दम पर वो सत्ता हासिल नहीं कर सकते। ऐसे में अकाली दल ने ये दाव चला और दलित वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए बसपा के साथ हाथ मिला लिया है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस अब दलित डिप्टी सीएम बनाने का दाव चल सकती है, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय नेतृत्व के सामने ये प्लान भी रखा गया। फिलहाल देखना ये है कि साल 2022 के चुनाव में दलित किसके पक्ष में एकजुट होता है और अकाली दल और बीएसपी का ये गठबंधन क्या एक बार फिर से चमत्कार कर पाता है।
विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।